पे हम आते हैं। इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में देखो, हमने मैंने बोला कि कीवर्ड्स होते हैं। इससे पहले हमें पता कि इंट एक कीवर्ड है, वी हैव फ्लोट एज अ कीवर्ड, ठीक है, वी हैव केयर एज अ कीवर्ड, हमारे पास और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बेसिक डेटा टाइप्स भी है, ये डेटा टाइप्स भी और कीवर्ड्स भी है, ठीक है। अब मैं सपोज में इंट, हम क्या करेंगे, हम मेरे पास एक नंबर है नम वन, ये मैं कर सकता हूँ। देखो मैंने नम भी लिखा और वन भी यूज किया, लेकिन इंट के साथ में अगर वन यूज करूँ, सपोज इंट वन, ठीक है, तो ये मुझे प्रोग्राम में एरर दिखाएगा, मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये बोल रहे तो मुझे पता ही नहीं है ये इंट वन क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको इंट वन पता नहीं है कंपाइलर को, कंपाइलर को पता है इंट, क्योंकि इंट प्रीडिफाइंड है। और देखो हम अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ इस आई को कैपिटल, आई को मैं कैपिटल कर दूँ, ठीक है, अब मैं देखूँ इसको एग्जीक्यूट करके, ये फिर से एरर दिखा रहा है, ये अननोन नेम दिखा रहा है, मुझे बोल रहा है कि ये तो अननोन है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये कैपिटल वैपिटल तो मुझे पता ही नहीं ये क्या है, आई डोंट नो दिस, ठीक है। तो हम इसको कैपिटल भी यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपको जो ही मैं इंट लिख रहा हूं तो ये खुद ब खुद मोटा हो रहा है, देखो इंट ये मोटा हो गया खुद, ठीक है। अब मैं नम लिख रहा हूं तो वो मोटा नहीं हो रहा है। अब देखो नम में ये मैं एक आइडेंटिफायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसका पहला वर्ड कैपिटल भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसका पहला वर्ड कैपिटल लिख रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा या कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, ये कंपाइल हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल नेम है, एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर का मतलब जो हमें आइडेंटिफाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको नम को एक आइडेंटिफाई दिया है, इसको एक नाम दिया है एक वेरिएबल को, नम भी नम वन भी रख सकते हैं सपोज, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने लास्ट में दिखाया कि ये वन पहले नहीं हो सकता, पहले अंडरस्कोर हो सकता है वो वैलिड है, लेकिन पहले न्यूमेरल नहीं हो सकता कोई, पहले अंडरस्कोर होना चाहिए या पहले अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, इंट नम वन, ठीक है, मैं एक और लिखता हूं इंट नम टू, ठीक है। अब ये नाम नाम ऐसे रखने चाहिए जो हमें बाद में समझ भी आए, ठीक है, मैं कोई भी नाम ऐसे वैसे रखता नहीं हूँ, नाम ऐसे रखने चाहिए जो थोड़ा सा समझ आए कि इनका मीनिंग क्या है असल में। सो मैं एक इंजीनियर हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ डिफ, डिफरेंस इसका नाम रखता हूँ, ठीक है, तो बड़े भी नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैंने इसका नाम रखा इंट नाम वन, इंट नाम टू, तो एक और रखा मैंने डिफरेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस नाम वन में, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्मॉल एन, यहाँ पे ये ध्यान रखना थोड़ा, मैंने यहाँ पे क्योंकि नाम एन को कैपिटल लिखा, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एन लिखूं और इसमें टेन वैल्यू दूं, देखो यहाँ पे मैंने नाम वन एन कैपिटल लिखा, यहाँ पे एन स्मॉल लिखा, अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूं तो मुझे ये एरर दिखाएगा, बोलेगा ये नम वन तो मुझे पता ही नहीं है ये नम वन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, सी की लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है, अगर आप यही नाम में कोई कैपिटल रखोगे तो वो बाद में वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम मोस्टली क्या करते हैं, हम मोस्टली जो नाम वाम है ज्यादातर हम स्मॉल में ही लिखते हैं, ज्यादातर हम स्मॉल में ही लिखते हैं नाम वगैरह, कहीं पे कोई डिफरेंट हो तो वो कैपिटल में लिखते हैं, कहीं एक अलग कर दिखाने के लिए, अलग करने के लिए कोई चीज कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्मॉल ही लिखते हैं, बट यू कैन राइट इन कैपिटल एज वेल, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं पर आप फिर भूल ना जाओ या गलती से लिख ना जाओ, तो मोस्टली हम इसको स्मॉल ही लिखते हैं। तो नम वन में मैंने टेन डाला, अब मैं नम टू में इसको देता हूँ सपोज फाइव, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस डिफरेंस को, डिफरेंस में बोलता हूँ नम वन माइनस नम, अब यहाँ पे ध्यान रखना मेरे पास दो नंबर्स है, एक है टेन, ठीक, और एक है फाइव। अब मेरे पास एक और नंबर है इंट, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं है, जब मैं यहाँ पे इनको डिफाइन करता हूँ, इसको बोलता है डिफाइन करना,
जब मैं इनको डिफाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी दे सकता हूँ या ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने इनको कोई वैल्यू नहीं दिया है तो इनमें चला जाता है एक वैल्यू, उसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहाँ पे अभी इसको वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे इसमें चला जाता है खुद ब खुद एक वैल्यू, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब ये खुद से कोई वैल्यू लेता है जो कि सही वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों लेता है वो आगे आप समझोगे इंशाल्लाह, जब आप इन डेप्थ में जाओगे, चीजों को समझोगे कैसे मेमोरी काम कर रहा है, तो वो आप समझोगे। फिलहाल के लिए आप यही रखो कि इसमें फिलहाल जाता है गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो int num 1, int num 2, इनमें फिलहाल चला गया गार्बेज वैल्यू और डिफरेंस में भी है अभी गार्बेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जब मैंने num 1 में एक वैल्यू दे दिया तो अब वो गार्बेज वैल्यू हटके उसमें एक वैल्यू चला गया 10, ठीक है। और यहाँ से भी इस गार्बेज वैल्यू हट के एक अलग वैल्यू चला गया 5, ठीक है। तो मैंने num 1 में, नंबर 1 में 10 वैल्यू दिया और नंबर 2 में 5 वैल्यू दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस में डालो, डिफरेंस में डालो इन दोनों का डिफरेंस। num 1 को जो माइनस होगा num 2, तो जो वैल्यू मुझे आएगा वो डिफरेंस में डालो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से इसको देखें, अब मैं यहाँ से आपको एक चीज एक दिखाता हूं, हम ऐसे करते हैं, मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाला, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, फिर ये स्टार और फिर स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं हम कमेंट, कमेंट सेक्शन। क्या बोलते हैं ये, बोलते हैं हम इसको कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन का मतलब अगर मैं यहां पे कुछ लिखूं वो असल में मेरे प्रोग्राम के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये चीज मेरे प्रोग्राम के साथ ऐड नहीं है। फिर क्या होगी, ये मुझे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है का मतलब अगर मैंने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा, फिर मैं 2 साल के बाद आया या कोई और मेरे प्रोग्राम को देख रहा है तो मैं उसके लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सबट्रैक्टिंग num 2 from num 1। हालांकि यहाँ से ये इजी स्टेप है, ये सबको समझ आएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको एक अलग से बताना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार फिर जो भी आपको लिखना है, फिर जब आपने लिखना खत्म किया फिर से फॉरवर्ड एक स्टार और फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं, तो ये मेरा बन जाता है कमेंट। तो कमेंट का मतलब मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने क्या किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग num 2 फ्रॉम num 1, मैं num 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम num 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई भी एक मीनिंगफुल एग्जांपल लिख, मीनिंगफुल कुछ भी डेटा लिख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने लिए 5 - 10 - 5 = 5। तो इसका मतलब मैं अपने लिए लिखता हूँ, 10 मैंने यूज किया ठीक, क्योंकि इस num 1 का वैल्यू 10 है और num 2 का वैल्यू 5 है तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए 5, ठीक है। तो मैं आप इसको देखूंगा प्रिंट f करके, ठीक है, फिर \n\t, अगर हमें यूज करना, अगर नहीं यूज करना तो कोई बात नहीं। तो मैं बोलूंगा डिफरेंस इज इक्वल, लास्ट में अगर आपको याद होगा अगर हमें किसी का वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें लिखना होता है %d%d, ठीक है, %d, फिर कॉमा करके यहाँ पे, फिर मुझे बोलना है मुझे इस %d के जगह कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है। मैं बोलूंगा मुझे डिफरेंस का वैल्यू बता दो आप कि डिफरेंस में क्या वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है डिफरेंस इज इक्वल टू 5, डिफरेंस इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये मुझे यही आना चाहिए था क्योंकि 10 - 5 मैंने किया तो 10 - 5 5 होता है। हाँ मैं यहाँ पे सपोज करूँ अब 20, अब देखो मैंने 20, अब मैं 20 - 5 करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए 15। जो ही मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ मुझे अब दिखा रहा है डिफरेंस इज इक्वल टू 15, ठीक है, डिफरेंस इज कॉल्ड 15। तो ये मुझे प्रोग्राम को चेंज करने की और कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद चीजें, ये खुद ब खुद चीजें करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज में ये आप याद रखना, एक कमेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं कोई भी चीज लिख सकता हूँ जो कि प्रोग्राम में ऐड नहीं होगी, लेकिन क्या होगा इससे, ये मुझे अगर मुझे बाद में इस चीज को समझना है या किसी कोर को भेजना है अपना ये प्रोग्राम ताकि वो समझे, तो ये काम आता है हमारे, ठीक है। और ये हमें एक जबरदस्त चीज के काम आता है, उसको बोलते हैं हम डिबगिंग। सपोज कहीं पे कोई हमें एरर आया, तो अगर हम उसके बाद, एक बड़ा प्रोग्राम है हमें एरर आया, तो कोई और इसको अब पढ़ रहा है या मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत पहले लिखा था ये प्रोग्राम, कहीं एरर आया तो मुझे अब सारा समझ नहीं आएगा पहले मैंने क्या क्या लॉजिक किया था। जब मैं ये कमेंट्स देता हूँ तो मैं एक मेमोरी सा रखता हूँ, एक याददाश्त रखता हूँ कि मैंने एक्सेल में यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ये मानी जाती है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, अगर हम कमेंट्स ऐड करते जाए जो भी जहाँ पे भी हम थोड़े से कोई डिफिकल्ट काम कर रहे हो वहां पे इसको बताए या खुद को ही बताए कि मैं असल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूँ वो खुद ब खुद हो जाएंगी। सपोज मैं 20, मैंने नाम वन में 20 रखा, नाम टू में 10 रखा, अब मुझे रिजल्ट आना चाहिए 20-10 इज कॉल्ड 10, तो मुझे रिजल्ट आया 10, ठीक है। तो मुझे ये खुद से ही एक सॉफ्टवेयर बन गया जो मैं इस दो नंबर्स का क्या दे रहा है, दो नंबर्स का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली समझने की बात ये थी कि ये जो है ये कीवर्ड्स है, ये इंट हो या कैर लिखे हम या फ्लोट लिखे या कुछ भी लिखे, ठीक है, ये तो कीवर्ड्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वो हम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफायर्स हम लिखते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफायर है, ये डिफरेंस आइडेंटिफायर, ये नम वन आइडेंटिफायर, नम टू आइडेंटिफायर है, ये डिफरेंस आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये सारी चीजें आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दूं ये प्रिंट ऐप जो है ये भी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, लेकिन ये प्रिंट ऐप जो है हम इसको कैपिटल पी वैपिटल पी नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते, अगर ये आइडेंटिफायर है तो फिर कैपिटल पी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी की फंक्शन है जो है, आप ये stdio डॉट है इसी में इनने लिखी है पहले हमारे लिए, तो जब इनने लिखी है तो इसने ऐसे ही लिखा है, तब हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं, ये कीवर्ड नहीं है, याद रखना ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरी में है हमें, तो लाइब्रेरी में जिसने भी हमें हमारे लिए ये लाइब्रेरी लिखी है उसने हमें ये उसने ऐसा ही लिखा है। अब जब उसने ऐसा ही सोमाल में लिखा है तो हम भी सोमाल में ही लिखेंगे, जैसे ये नाम वन मैंने सोमाल में एन लिखा, तो यहाँ पे जो भी आप इसको यूज करेगा, सपोज अगर मैं इसको लाइब्रेरी में ऐड करूं तो जो भी इसको यूज करेगा उसको ऐसे ही यूज लिखना पड़ेगा नाम वन, उसको वो कैपिटल में नहीं लिख सकता, फिर वो इसको यूज नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसने ये प्रिंट ऐप यूज किया है, ऐड किया है लाइब्रेरी में, उसने समाल लिखा है, तो जिसने समाल लिखा है तो हमें भी समाल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है।